ओके, चलिए शुरू करते हैं। विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ड ई, इडियम एंड फ्रेजेस। ओके, फर्स्ट है ईट हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। ठीक है, इसका मतलब है ईट, ईट मतलब खाना। ठीक है, पाई मीन हम्बल पाई मीन मतलब विनम्रता से अपने वर्ड खा लेना। इसका मतलब क्या है, जो बोला था उसने वो वापस ले लिया, मतलब रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो माफ़ी मांग रहा है, समझ जाओ आप लोग। ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट, ईट वंस वर्ड, देखो बोला ना, टेक ए स्टेटमेंट बैक, बयान को वापस ले लेना। ईट वंस वर्ड, डबल बार लिख दी है। ओके, इंड इन ए स्मोक, कैम टू नथिंग, असफल हो जाना। अब लास्ट में जैसे बंदे क्या है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन अंत में क्या है, स्मोक करने लगते हैं, इसका मतलब क्या है, वो असफल हो जाते हैं। ठीक है, असफल होना। ओके, ईगोन, टू आर्ग्यू समबडी, बहस करना। ओके, अब जैसे दुकान पे गया, ठीक है, कोई बंदा, लेकिन क्या है, वो अंडे है ना, वो अंडे ऐसे दे दिए कि अंडे में छेद था, तो क्या है, वो बहस करेगा ना कि अंडे में छेद क्यों है, तो वही बात हो गई, टू आर्ग्यू समबडी, ईगोन। ओके, एक आउट, ऊपरी कमाई, ऊपरी कमाई, एक आउट का मतलब होता है ऊपरी कमाई, सप्लीमेंट इनकम। एवरी डॉग हिज डे। ओके, अब देखो, प्रत्येक प्रत्येक कुत्ते का दिन आता है ना, यानी गुड फॉर्चून कम सूनर और लेटर, मतलब जो अच्छा भाग होता है ना, वो देर सवेर आ ही जाता है, इसका सिनोनिम्स यही होता है। ठीक है, बुरे अर्थ से मत लीजिएगा, कुत्ते का तो बोला है तो इसका मतलब बुरा मत समझिएगा। एवरी डॉग हिज हैज डे। ईवर एंड एनोन, नाउ एंड देन, समटाइम, इसका मतलब है, मतलब अभी एंड देन कभी, ये मतलब होता है। अब एंड तब, आई वॉस प्रटेंट, अब जैसे कोई बंदा है, कोई चीज़ को कुछ नहीं मिल रहा है कि बोला मेरे को ये चाहिए, पापा मुझे ये चीज़ दिला दो, लेकिन उसको क्या है ना, वो चीज़ मिल नहीं रही है, तो वो क्या है, आई वॉस करके आ जा रहा है, आई अपने आइस को ना पानी से धो के आ जा रहा है, इसका मतलब रो रहा है, इसका मतलब क्या है, रो रहा है मतलब कि क्या है, बहाने बना रहा है, समझ गए आप लोग, रो रहा है मतलब बहाने बनाना है, बहाने बनाना की मीनिंग पहले बताई थी मैंने इसके पहले वाले में, ठीक है, यानी डी में। ओके, तो ये इसमें इतने ही थे, चलो ख़त्म हो गए। ठीक है, ये रिवाइज़ कीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं थे इसमें, सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही करा आ रहा हूँ इसमें, जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं, सारे इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई कोई ऐसा नहीं है कि जो आया ना हो। ठीक है, तो इसको रिवाइज़ कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, जैसे आई वॉज था, इवर एंड एनोन था, एवरी डॉग हिज हैज डे था, एक आउट, सप्लीमेंट्री इनकम, एगोन, ठीक है, उसके अंडे गिर गए तो बहस कर रहा है, ठीक है, इंडियन स्मोक फिश को इंजीनियरिंग की तैयारी करने गया था, असफल हो गया, कुछ हाथ नहीं लगा, अपने ईट वंस वर्ड, अपने वर्ड खा गया, बयान को वापस ले लिया, ईट हम्बल पाई, माफ़ी मांग ली, समझ गए, चलिए थैंक यू, इसको रिवाइज़ कीजिएगा। ओके, थैंक यू।